दीन को स्टेशन आ गया। पौंडिता, ये आखिरी मौका है तेरे पास, दे दे सखा बाबू के दिल पे दस्तक। तुम्हारी ट्रेन में जानती मैं जाएगी, पहले बताइए कि आप जोर जोर से क्यों आसी। आज जो कुछ भी हुआ वो हंसने वाली बात थी क्या? नहीं ना, फिर आप क्यों आसी? वैसे तो आप कभी मुस्कुराते नहीं है, जो हंसने वाली बात होती है उसे भी यूं बना लेते हैं, या तो यूं करेंगे या तो यूं करेंगे। बोलिए, ऐसा करती है ना? बोलिए, करती है ना? हाँ करती है, फिर आज क्यों मुस्कुराई? ये बात पे तो लोगों को गिन आती है, गुस्सा आती है, फिर बोलिए आप क्यों मुस्कुराई? अरे बोलिए ना। बोलेंगी मैं भी ना आपसे क्यों पूछ रही है, मुझे मालूम है। हर बार की तरह इस बार भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगी मुझे, हर बार ऐसे ही करती है, कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है। आज मिलेगा, आज तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। मैं जल्दी मेरा मतलब सच्ची? हाँ, इतने समय से मेरे दिल में जो है वो आज मैं तुमसे कहूंगा। बोलिए ना, क्या है आपके दिल में? वही जो बहुत समय से मेरे दिल में है, पर मैं कह नहीं पा रहा तुमसे। हाँ तो कहिए ना। देखो वैजंती, मैं हंसा जरूर पर तुम पर नहीं। तो वो मुझे कुछ याद। आपको आपको कुछ याद आई, या फिर आपको किसी की याद आई? बोलिए ना, किसकी याद आई आपको? तुम्हारी ट्रेन आ गई शायद। चलो वैजंती, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वरना देर हो जाएगी, आओ छूट ना जाए ट्रेन। नहीं, पहले आप बताइए क्यों आसी? बोलिए क्यों आसी? वैजंती, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी मैं। और अगर बिना जाने गई ना तो जिंदगी हाथ से छूट जाएगी। मेरा मतलब है छूट जाने दीजिए रेलगाड़ी, पहले आप बताइए आप क्यों आसी? कौन है जिसकी याद में आप हंसी? आपके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आई, बोलिए बोलिए ना। वैजंती, अगर रेलगाड़ी छूटी तो तुम्हारे अप्पा डांटेंगे, तुम्हारी अम्मा डांटेंगी। तो कहाँ लेगी डांट? वैसे भी मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर सोचती रहेगी कि आप क्यों हंसी, कौन है जिसको आप याद करके हंसी? बोलिए ना आप क्यों हंसी? नहीं बोलेगी। मेरे को मालूम था मेरे किसी सवाल का जवाब आप देती ही नहीं है, इस सवाल का भी जवाब नहीं देगी, मालूम था मेरे को। दोस्त बनो ही मेरी। क्या क्या बोली? बोला कि दोस्त बनूंगी मेरी। दोस्त, अरे आप बोलेंगे तो जिंदगी पर आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। अब से वैजंती आपकी पक्की वाली दोस्त है, अब आप मेरे साथ अपने दिल की हर बात बांट सकती है, बौंदता के बारे में भी।
देख वो आदमी इधर गया है, पकड़ो उसे। शायद वो आदमी उस तरफ गया है। मैं चलती है बरिस्तर बाबू, वो दोस्ती के लिए थांकू। हाँ, चलने से काम नहीं होगा, तुम्हें दौड़ना होगा, वरना ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। अयो अप्पा, मैं चलती है। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने कहा दोस्ती करोगी? क्या कर रही हो, हाँ या ना? होने की जरूरत नहीं है, भले दोस्ती तुझसे की पर जुबान से बंदिता का नाम ही निकलने वाला था। और भूल मत, सखा बाबू तुझ पे नहीं हंसे थे, वो तो अपनी बंदिता को याद कर रहे थे। सखा बाबू और बंदिता की पहली जीत की याद। आज उनके मुंह से बंदिता का नाम निकलने ही वाला था कि वो फिर से रुक गए। पर कोई बात नहीं, वैजंती अब तो उनकी दोस्त बन गई है ना, अब सखा बाबू अपनी दिल की बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे। वैजंती से दोस्ती ही सखा बाबू को अपनी बंदिता के पास ले जाएगी। बंदिता, आज मैं तुम्हारे हाथ से बनी कॉफी नहीं, कॉफी पीना चाहता हूं। पिलाओगी? अभी लाई। पर इस तरह बाबू, मैं तुमसे प्यार नहीं, बहुत प्यार करता हूं। ये अकेले अकेले में यहां पे पागलों की तरह क्यों नाच रही है? देख रहा हूं कि अचानक से बहुत खुश खुश रहने लगी है बंदिता। इसका पता लगाना पड़ेगा। नहीं बिहारी, अरे थोड़ा अच्छा रंग दिखा, तेरे बैरिस्टर बाबू के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। मालिक, बैरिस्टर बाबू का रिश्ता बैजंती जी से तय करवाएंगे ही क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी लड़की है ना बैजंती। जी तो है, पर बंदिता मालकिन सलाह मांगी क्या तेरी?
हरे के साथ हरा अच्छा लगेगा, क्या कहता है बिहारी? पंडिता मालकिन की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। उल्टे फेरे कर लेने से शादियां टूट नहीं जाती, रिश्ते रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। दुर्गा माँ, मैं एक छोटा सा नौकर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर माँ, आप तो जगत चलनी है ना, आप कर सकती है ना। मेरी बंदिता मालकिन को फिर से वापस हवेली में ले आइए। माँ, मैं दुर्गा पाठ करूंगा, मैं संतोषी माँ का व्रत रखूंगा। माँ, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा माँ। अब जेठ जी, वो गाड़ी में सब फल मिठाइयां सब कुछ रखवा दिया है मैंने, और लो वैजयंती भी आ गई। अब एक बार वैजयंती के माँ बाबा हाँ कह दे, फिर लगे हाथों शगुन देकर अनिरुद्ध का और वैजयंती का रिश्ता भी पक्का कर देंगे। ये क्या हो रहा है? मैं तो वैजयंती बनकर सखा बाबू और पंडिता का रिश्ता जोड़ने आई थी, पर ये लोग तो वैजयंती और सखा बाबू का रिश्ता जोड़ने की सोच रहे। अब क्या करेगी तो पंडिता? काका, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो तो, सुनते ही बेचारी सदमे में आ गई। अरे संपूर्णा बहू, तुम जरा पूछो तो इससे, क्यों नहीं कर सकती ये शादी? वैजयंती, क्या तुम्हें बरिस्तर बाबू पसंद नहीं है? बहुत पसंद है। हाँ? नहीं, वो मेरा मतलब, मैंने उनके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं ना, तो शादी कैसे कर लेगी? क्या बात। अरे तुम क्यों सोचोगी? सुघड़ संस्कारी लड़कियां ये सब सोचती हैं क्या? और सोचना चाहिए भी नहीं। अरे यही सब सोचने के लिए तो माता पिता होते हैं ना, इसीलिए तो हम जा रहे हैं मिलने तुम्हारे आपा अम्मा से। नहीं। क्यों? मेरा मतलब कहा का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा तो नहीं, 3 दिन के लिए बाहर गई हुई है। बाहर? और आप अपने बरिस्तर बाबू से पूछा कि वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार है कि नहीं? वही कहते रहते हैं ना कि शादी दोनों की मर्जी से होनी चाहिए, तो उन्होंने हाँ कह दिया। जेठ जी, वैजयंती बात तो सही कह रही है, हमने तो अनिरुद्ध से पूछा ही नहीं इस बारे में। अरे उससे क्या पूछेंगे, वो कुछ सुनने को तैयार होता है क्या हमारी? जब से वो पिछले 8 साल से जब भी उससे शादी की बात करो तो वहां से भाग खड़ा होता है। क्या वैजयंती, हम कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं पता करती क्या चल रहा है उसके मन में? मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम। अरे हमने देखा है, तुम्हारी बात सुनता है, मतलब शुरू शुरू में गुस्सा करता है थोड़ा, पर उसके बाद मान जाता है। वैजयंती बेटा, हम कह रहे थे कि तुम ही किसी तरह पता लगाने की कोशिश करो क्या चल रहा है उसके मन में। अब से वही तो कोशिश कर रही है। हा? मतलब कोशिश करेगी, पर क्या है ना, थोड़ा सोचनी पड़ेगी, वो बहुत कड़ू। मेरा मतलब सख्त है, बहुत सख्त है। तुम सोचो, सोचो, सोचो। हमें लगता है तुम सोच लोगी। सोचो, अच्छे से सोचो। शुक्र है दुर्गा माँ का कि मुझे सही समय पर पहुंचा दिया और मैंने इनको रोक लिया।
वरना बहुत गंडगोल हो जाता। बैरिस्टर बाबू कभी नहीं मानेंगे। पर क्यों नहीं मानेंगे? ये बैरिस्टर बाबू भले जताते नहीं है, पर बोंदिता मालकिन उनके दिल में है, यहाँ है, और उन्होंने बोंदिता मालकिन के साथ एक वादा भी किया था। बोंदिता से वादा किया है कि मैं बोंदिता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना वादा निभाते रहूंगा। मुझे अपना वादा निभाने से यहाँ कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है अपने बैरिस्टर बाबू दुश्मनी के साथ रिश्तेदारी के बाद बोंदिता मालकिन से सारे किए हुए वादे और रिश्तेदारी भुला दिए है। मेरे दोनों चोटियों की कसम, अपने बैरिस्टर बाबू वैजयंती दीदी से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। अरे कभी राजी नहीं होंगे, लिख लो। नहीं मानेंगे। मानेंगे? एक बार नहीं, 100 बार भी पूछेंगे तो नहीं मानेंगे। अरे बोला ना, मानेंगे मानेंगे मानेंगे। अब इसको पहले नीचे करो। धन्यवाद भारी बाबू, आपने आज सीधे बैरिस्टर बाबू के मुंह से उनके हाले दिल जानने का रास्ता बता दी। क्योंकि अब जब वैजयंती से शादी करने की बात सखा बाबू के पास जाएगी तो सखा बाबू को हाँ या ना में जवाब देना ही पड़ेगा। वैजयंती के लिए ना का मतलब बोंदिता के लिए हाँ है। अरे कुछ सोचा वैजयंती? बता भी दो। पता लगा पाओगी क्या चल रहा है अनिरुद्ध के मन में? हाँ, सोच लिया है। मैं आज ही उनसे बात करी। अरे बिहारी सामान वापस रखवाओ सब। अब तो तुझे अपना केस और भी मजबूती से तैयार करना होगा बोंदिता, क्योंकि सखा बाबू के मुंह से बात निकलवाना मतलब तूफान का सामना करना। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद करना। तलवारबाजी का वार्षिक मुकाबला बेहद ही करीब है, अब हमें और जोर शोर से मेहनत करनी होगी, जी जान लगाकर। और जैसा मैंने कहा, अब कोई अपने घर नहीं जाएगा, सब यही रॉय चौधरी हवेली में रहेंगे हमारे साथ। पीछे मेहमान कक्ष में अपना सामान छोड़कर आ जाओ, कुछ खाना खा लेना, उसके बाद हम अभ्यास फिर से शुरू करेंगे। बैरिस्टर बाबू, ये तो आपने सही नहीं की, बहुत गलत की। अरे उनसे कहा कि घर मत जाओ, यहीं पर रहो, और मुझसे कहती है कि घर चली जाओ, तुम नहीं आओगी। कोई अपने दोस्त के साथ ऐसे करती है? उन्हें मैं अभी अभ्यास करवा रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई तो हो चुकी है ना वैजयंती, फिर तुम क्यों आई हो? आपके लिए। आपसे वो पढ़ाने का सबूत लेने आई है मैं। क्या लेने? आपने मेरे को पढ़ाया ना, तो सबूत तो देंगे ना। वो मेरे भाई है ना नंदू, उसे स्कूल से पढ़ने के लिए खर्चा मिलती है, तो मुझे भी दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम खर्चा नहीं कुछ और कहना चाह रही हो शायद। अयो अप्पा, खर्चा नहीं समझती कैसे? वो जिस पे लिखी होती है ना अंडा या 100, पर्चा कहते हैं उसे वैजयंती, उस पर्चे को सर्टिफिकेट कहते हैं। आप कितना अच्छे से समझती मुझको, वो दीजिए ना। अब मैं सर्टिफिकेट जेब में तो लेकर नहीं घूमता ना वैजयंती। तो देख क्या रही है, चलिए। वैजयंती आगे क्या करोगी, क्या सोचा है? मैं शादी करेगी। शादी किसके साथ? बहुत अच्छा लड़का है, बैती पवन साहब, आसमान में पंछी सा उड़ता है, सूरज सा तेज है उसमें, नदी सा बहता है वो। वाह, लगता है सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है।
तुम्हें लड़का पसंद है बहुत। हाँ, मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा, अब पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है, इसी गांव का है, सारे बड़े मान गए, बस अब उस लड़के से ठीक से आना बाकी है। पर समझ में ही नहीं आ रही है कि उसके दिल की बात उसकी जुबान तक कैसे लाऊं। इसमें मुश्किल क्या है, उसे अकेले में मिल लो, पूछ लो, बात कर लो। अयो अप्पा, पापी क्या दुराचारी, भाई शर्म ऐसा कहेंगे मेरे को लोग। अयो अप्पा, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की अकेले में कैसे मिल सकती है, शर्म नहीं आती ऐसी बोलते हुए। वैजंती, हम भी तो एक जवान लड़का एक जवान लड़की अकेले में मिल रहे हैं ना, कोई कुछ बोल रहा है तुम्हें, आसमान टूट रहा है क्या? लड़के से मिलके रहेगी, वो भी आज ही मिलेगी, 5 बजे मिलेगी, सुनी ना, 5 बजे मिलेगी। हाँ, तुम 5 बजे मिलोगी वैजंती, सुन लिया मैंने। हाँ। अयो अप्पा, एक बात पूछूं, उस लड़के को मेरा यूं खुल के पूछना गलत लगी तो? वैजंती, अगर वो लड़का सही होगा तो वो तुम्हारे सच बोलने पर खुश होगा, साथ देगा तुम्हारा। रुकिए ना, मेरे को ऐसे बीच मजेदार में छोड़ के कहाँ पे जाती है? अब मेरी बात सुनिए, मैं कैसी दिखती है उसको अच्छी नहीं लगी तो क्या होएगा? वैजंती, तुम उससे मिली नहीं हो अब तक? अरे फिर तो मिलना बहुत जरूरी है। पर मेरी शक्ल, 1 मिनट रुकिए, मेरी अम्मा कहती है कि मेरी नाक मेरी जबान से भी लंबी है और मेरी आंखें पता नहीं दोनों बराबर भी है कि नहीं। हाँ, शायद ठीक ही कहती हैं अम्मा, ये बाईं आंख थोड़ा ज्यादा ही बड़ी है, ये दाईं वाली कुछ ज्यादा ही छोटी। क्या बोले? कान तुम्हारे ना खरगोश जैसे। खरगोश? हाँ, ये खरगोश कहते हैं। कुछ भी बोलती है, कोई लड़की को ऐसे बोलती है क्या? वैजंती, क्या है? जब कोई ऐसा लड़कियों को बोलता नहीं तो तुम ऐसा समझती क्यों हो? मतलब ये कि तुम अपने आप को दुनिया की नहीं अपनी नजरों से देखो। अपनी नजरों से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सुंदर हो। कोई नापसंद नहीं कर सकता तुम्हें। आप भी